सब गाइस कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस आप लोग को मैं इस तरह का फ्लो एडिटिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों। एंड जो बैकग्राउंड में ये सब येलो टाइप का जो लाइट दिख रहा है गाइस, वो भी आप लोग को देना सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला फ्रंट नॉर्मल फोटो जो कि पीछे देख सकते हो गाइस, यहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं है। एंड दोस्तों ये वाला जो आप लोग देख रहे हो एडिटिंग वाला फोटो, इसमें देख सकते हो लाइट्स वगैरह मैं सब दे दिया हूँ। एंड दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को HDR फेस स्मूथ करना भी आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। बस दोस्तों आप लोगों का करना क्या है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। एंड बिल्कुल इस तरह से आप लोग फोटो स्मूथ करना सीख जाओगे, फिर HDR हाई फेस स्मूथ एडिटिंग। एंड उसके बाद देख सकते हो ये लवी फोर लव फोटो है जो कि बिल्कुल ख़राब भद्दा टाइप का दिख रहा है दोस्तों। एंड आप लोगों को सेम इस तरह से फोटो एडिटिंग करके मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाऊंगा। देख सकते हो फ्रेंड कितना हार्ड फेस स्मूथ किया हूँ मैं, बिल्कुल इस तरह से आप लोग अपना फ़ोटो स्मूथ करना सीख जाओगे। तो फर्स्ट वाला आप लोग का क्या करना है दोस्तों, ना नॉर्मल फ़ोटो जो है आप लोग को, नॉर्मल फ़ोटो को सबसे पहले आप लोग क्या करना है, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना है। उसका क्या करना है ना, आप लोग को टूल्स पे आइएगा। एंड टूल्स पे आने का ना यहाँ पे बहुत सारे आप लोग ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो ट्विन इमेज है दोस्तों, वो वाला आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस पर सिलेक्ट करके ना यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज कर लीजिएगा फ़ोटो के हिसाब से, जितना आप लोग को ब्राइटनेस चाहिए। तो यहाँ इतना मैं 47 में इसमें रख देता हूँ गाइस। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फ्रेंड, जैसे आप लोग को फोटो दिखाया गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल वैसा ही फोटो एडिटिंग करके आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। एंड दोस्तों उसका क्या करना है ना, आप लोगों को कंट्रास्ट में आप लोग कंट्रास्ट को हल्का डिक्रीज कर लीजिएगा 25। एंड उसका क्या कीजिएगा, सेचुरेशन को हल्का इंक्रीज कीजिएगा 24। एंड उसका एम्बियंस को हल्का इंक्रीज कीजिएगा 30+। एंड उसका हल्का सा शैडो को आप लोग मेंटेन कीजिएगा 17। इतना आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड ए आफ्टर, इतना आप लोग का फोटो में चेंज आ जाएगा। उसका क्या करना है ना दोस्तों, आप लोग फिर से टूल्स पर आइएगा। एंड टूल्स पर आके यहाँ पे आप लोग डिटेल्स का आप लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जिस डिटेल्स वाले पे आके इसका स्ट्रक्चर आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। इतना आप लोग पूरा 100 कर दीजिएगा फ्रेंड स्ट्रक्चर को। एंड उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर डन करके, एंड डन करके फिर यहाँ पे आप लोग को ऊपर शेयर वाला जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, एंड शेयर के बगल में ये वाला जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे व्यू एडिट्स पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड व्यू एडिट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल्स पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे बीच वाला जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो इस वाला इन्वर्ट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स 0 रहना चाहिए। उसका क्या करना है, बैकग्राउंड को छोड़ के ना दोस्तों आप लोग अपने फेस पे इस तरह से कीजिएगा, तो जैसा आप लोग का पहले था फेस बिल्कुल वैसा हो जाएगा। बाकी बैकग्राउंड वगैरह सेट वगैरह आप लोग का वैसा ही रहेगा, बस अपने बॉडी पे आप लोग इरेज कीजिएगा तो आप लोग का फोटो बवाल रहेगा दोस्तों। उसका क्या करना है ना, उसका इस पर डन कर देना है। डन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे बैक आइएगा, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर फोटो में अच्छा खासा चेंज आ गया। उसका क्या करना दोस्तों, आप लोग को शेयर वाला आइकन पे आके उसके बाद आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना आप लोग को। तो यहाँ पे एड टू मैं लाइटरूम कर देता हूँ। उसका क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऊपर, इम्पोर्ट हो रहा है फ़ोटो, इम्पोर्ट हो गया। एंड उसके बाद इस वाले फ़ोटो पे आ जाता हूँ मैं। एंड उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इसे ध्यान से देखेगा अच्छा खासा फ्रेंड्स, मतलब लाइटरूम से ही फोटो एडिटिंग होता है ज़्यादातर। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, एडिट वाला ऑप्शन पाइएगा एंड लाइट वाला ऑप्शन पाइएगा। एंड लाइट वाला ऑप्शन पर आकर ना दोस्तों, आप लोग इसका कंट्रास्ट को हल्का इंक्रीज रखिएगा 17+। एंड एक्सपोजर को हल्का सा फ्रेंड, ज़्यादा नहीं इतना मैं रख लेता हूँ, इतना मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 4+ में रख दिया हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड हाईलाइट्स को हल्का इंक्रीज रखता हूँ 15+। शैडो को भी हल्का इंक्रीज कर लेता हूँ 48+। एंड वाइट्स को कम रखूँगा मैं 54-। एंड ब्लैक्स को भी मैं हल्का माइनस रखूँगा 60-। इतना आप लोग को सेटिंग करना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आप लोग कलर्स वाला ऑप्शन पर आना है। एंड इसका टेम्परेचर हल्का सा आप लोग डिक्रीज रखिएगा 6-। एंड टिंट को हल्का सा इसको भी माइनस रखिएगा, हल्का सा इससे माइनस 9-। एंड वाइब्रेंस को आप लोग इंक्रीज करके रखिएगा हर फोटो में 33+। एंड सेचुरेशन को कम 13-। इतना आप लोग सेटिंग करने के बाद दोस्तों आप लोग आना आप लोग को मिक्स में। एंड मिक्स में आने के बाद उसको क्या करना है, आपको ग्रीन वाला पे सिलेक्ट करके इसका हल्का सा सेचुरेशन मैं बढ़ा लेता हूँ। एंड उसके बाद येलो वाले पे आके दोस्तों इसका भी हल्का सा सेचुरेशन मैं बढ़ा लेता हूँ। एंड ह्यू को हल्का कम कर लेता हूँ, इतना देख सकते हो 19+। एंड ह्यू 17-।
उसका क्या करना ना दोस्तों, आप लोग ऑरेंज वाला ऑप्शन पाइएगा एंड फेस गोरा इससे होता है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो सेचुरेशन में कम करता हूँ तो फेस हल्का गोरा हो जाता है, मतलब ज़्यादा करोगे तो बेकार लगेगा, हल्का से कम कीजिएगा, 19 माइनस में रख दिया। एंड लुमिनस आप लोग जितना इंक्रीज करिएगा ना दोस्तों उतना आप लोगों का फेस गोरा होगा, देख सकते हो। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ फेस गोरा होता जा रहा है, तो इतना आप लोग जितना आप लोग को फेस गोरा रखना है दोस्तों उतना आप लोग रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इतना रखने वाला हूँ दोस्तों 65 ने 76 में रख लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेड वाले ऑप्शन पर आता हूँ एंड इसका सेचुरेशन आप लोग मतलब इंक्रीज में कर लेता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा 48+। उसके बाद पिंक वाले कलर पर आइएगा एंड इसका सेचुरेशन में पूरा प्लस कर देता हूँ एंड इसके जस्ट पीछे वाले कलर पर आके इसका भी सेचुरेशन में बढ़ा लेता हूँ पूरा एंड इसका लुमिनस हल्का सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है ना, ब्लू वाले कलर पर आके ना इसका सेचुरेशन आप लोग इंक्रीज रखिएगा एंड उसके बाद डन कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए फोटो में हल्का चेंज दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर कितना बवाल लग रहा है फ्रेंड, 250 लग रहा है। उसके बाद क्या करना है आप लोग, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पाना है एंड इसका टेक्सचर आप लोग को इंक्रीज करके रखना है एंड उसके बाद क्लैरिटी को हल्का कम करके रखना है आप लोग को एंड डीएच को हल्का सा इंक्रीज करके रखना है। देख सकते हो टेक्सचर में 71+ रखा हूँ दोस्तों एंड क्लैरिटी 30- एंड डीएच 33+। उसके बाद क्या करना ना आप लोग भीग नेट पाइएगा एंड भीग नेट पा के इसका इस तरह से आप लोग अमाउंट कम कर लीजिएगा। देख सकते हो दोस्तों फोटो कितना बवाल लग रहा है दोस्तों, बिफोर वाला फोटो है एंड आफ्टर। उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, आप लोग शेयर वाला आइकन पा के सेव टू गैलरी करके फ्रेंड सॉरी उसके बाद सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आप लोग को ना फोटो को शेयर करके लेके चलना है। पिकसार्ट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा फ्रेंड, जो बैकग्राउंड पे मैं लाइट दिया था उस पिकसार्ट से ही दिया था। तो उसका क्या करना ना आप लोग को, यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोग को ब्रशेज का आप लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्रशेज ये ब्रशेज जो दिख रहा है ना आप लोग को दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आप लोगों को चौथा नंबर पर आ जाएगा एंड चौथा नंबर पर आके ना यहाँ पे आप लोग इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल करते जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक लाइट वाला बैकग्राउंड दिखेगा। देख सकते हो येल्लो लाइट, ये वाला आप लोग को सिलेक्ट करना है, इस पर सिलेक्ट कीजिएगा फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर साइज का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा एंड ऑप्सिटी का, ऑप्सिटी आप लोग हैंडल रखिएगा एंड साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप लोग टच करोगे वहाँ पे आप लोग इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से आप लोग का बैकग्राउंड हो जाएगा देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कर लेना दोस्तों अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैं दे देता हूँ एंड बाकी इधर उधर भी अगर चल जाता है दोस्तों तो उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ नीचे देख सकते हो इरेज का ऑप्शन है, इस पर आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो सेट पर चला गया, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हल्का सा इधर इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ पे ये वाला काम हो गया। उसके बाद फोटो को सेव करके ना दोस्तों आप लोग रेमनी में लेके चलेगा इस फोटो को। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ना इन्हेंस में कर देता हूँ, जैसे मैं ऐड वगैरह में पूरा देख लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा तो यहाँ आप लोग का फोटो साफ होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऐड देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड वगैरह पूरा मैं देख लेता हूँ, जैसे देख सकते हो तो नीचे सेकंड चल रहा है एंड दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस रेमनी में आ गया हूँ। उसको देख सकते हो ये देख सकते हो दोस्तों बिफोर एंड ये आफ्टर देख सकते हो कितना हार्ड लग रहा है गाइस फोटो। इस तरह से आप लोग इसे इंक्रीज मतलब साफ कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं साफ़ किया इस फोटो को तो यहाँ से बैकग्राउंड का जो कलर है हल्का फीका हो गया है। आप लोग उस टाइप पे क्या कीजिएगा दोस्तों ना, यहाँ पे कलर्स का आप लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग एक और ऐड देखने को मिलेगा, ये फिर सेकेंड हो जाएगा तो यहाँ पर ऐड देखिएगा, इस पर फ्रेंड्स ऐड नहीं आया अपने से हो गया। उसका क्या करना ना आप लोग को, कभी कभी ऐड आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिसेबल वाले पे क्लिक कीजिएगा ना तो जैसा आप लोग का बैकग्राउंड था डाले थे इस पर वैसा बैकग्राउंड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हल्का से वेट कर लीजिएगा 1-2 सेकेंड, उसके बाद हल्का से रिफ्रेश लेगा, यहाँ पे ओनली 1-2 सेकेंड में गाइस आप लोग का बिफोर वाला बैकग्राउंड जैसा फोटो आ जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हो जैसा आप लोग का बैकग्राउंड था गाइस एंड फोटो था बिल्कुल वैसा ही हो गया एंड ये सब जो नाक के पास ये सब येलो टाइप का दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये आप लोग को ना स्नैप ऑटोडेस्क से आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा ऑटोडेस्क से स्मूथ करोगे तो। यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ एंड डन करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो को सेव कर लिया गाइस, देख सकते हो रेमनी एप्लीकेशन के
करने के बाद उसका क्या करना, आप लोगों ने फोटो को शेयर करके लेके चलना ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, मतलब स्केचबुक में मैं आप लोग बताऊंगा फ्रेंड कि कैसे आप लोग HDR हाई क्वालिटी में आप लोग अपना फेस स्मूथ कर पाओगे। तब मैं इस फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइस एंड डिस्कार्ड कर लेता हूँ, एंड डिस्कार्ड करने के बाद वो वाला फोटो को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ रेमनी में आके, यहाँ पे मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। एंड दोस्तों जो जो मैं स्टेप बताऊंगा फ्रेंड बिल्कुल वैसा ही स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप लोग HDR फेस स्मूथ करना सीख पाओगे। तो फर्स्ट ऑल क्या करना ना दोस्तों, आप लोग कल ब्रश वाला आइकन पर आइएगा ना, ब्रश वाला आइकन पर आके यहाँ पे आप लोग इस तरह से नीचे आइएगा। नीचे आकर दोस्तों ना यहाँ स्मज का आप लोग ऑप्शन दिख रहा होगा, स्मज का ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों, स्मज वाला ऑप्शन में बहुत सारा आप लोगों को ब्रश देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। तो आप लोग क्या करना ना, जो मैं आप लोगों को ब्रश बताऊंगा वही ब्रश आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। ये वाला आप लोग को ब्रश दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला इस ब्रश को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऊपर सेटिंग पे वाला ऑप्शन पाएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ फ्लो है, फ्लो 48 है एंड स्ट्रेंथ 30 है, लेकिन आप लोगों को सेटिंग इतना नहीं रखना है। आप लोगों को क्या क्या करना है, इसका फ्लो 2 रखना है एंड स्ट्रेंथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आप लोग 5 रखेगा, इतना आप लोग सेटिंग कर लेगा दोस्तों। देख सकते हो फ्लो 3 है एंड स्ट्रेंथ 5 एंड साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग फेस स्मूथ करना जाओगे ना दोस्तों, इतना हाई क्वालिटी बवाल में होगा, क्या कहूँ फ्रेंड्स आप लोग को, बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में आप लोग को फेस स्मूथ होगा दोस्तों। नहीं है तो ग्रांडिंग के साथ बोलता हूँ, अगर आप लोग कर रहे होंगे साथ में तो बहुत ही HDR हाई क्वालिटी में आप लोग को फेस स्मूथ हो रहा होगा। एंड दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। उसको क्या करना ना गाइस, यहाँ पे इस तरह से आप लोग जब फेस स्मूथ करने जाओगे ना, तो अगर आप लोग को ब्लैक लाइन आता है ना फ्रेंड्स, तो इससे हल्का सा भी लाइन नहीं आएगा आप लोग का। एंड ये जो येल्लो आप लोग को दिख रहा है, इसे मैं देख सकता हूँ कैसे मैं इसे हटाता हूँ। इस तरह से गोरे जिधर गोर रहेगा ना फ्रेंड्स वाइट टाइप का, उधर से आप लोग रगड़िएगा तो आप लोग का जो भी ब्लैक है या येल्लो ये सब जो है सब आप लोगों को हट जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से आप लोग स्मूथ करते रहिएगा तो सब हट जाएगा आप लोग को। एंड बाकी ब्रश फ्रेंड आप लोग को A1 ब्रश में आप लोग को बता दिया, सेटिंग आप लोग को दिखाता हूँ फिर से। देख सकते हो फ्लो 2 एंड स्ट्रेंथ 5, स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, बहुत ही काम आने वाला है। एंड उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, इस तरह से आप लोग फेस स्मूथ कर दिएगा। एंड ये वाला जो येल्लो टाइप का नहीं हटा ना, यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैं हटाता हूँ इसे, इस तरह से आप लोग कीजिएगा। देख सकते हो हट गया इस तरह से फ्रेंड, हल्का सा हट जाएगा धीरे धीरे। एंड देख सकते हो इस तरह से आप लोग हटा लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय। एंड अच्छे तरीके से आप लोग फेस स्मूथ कीजिएगा, यहाँ पर मैं हल्का सा फास्ट कर दिया हूँ तो हल्का सा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है फोटो। तो इस तरह से आप लोग फेस स्मूथ कर लीजिएगा, ब्रश में आप लोग को बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स मेरा। ओके दोस्तों।